प्रिय छात्रों, एनआईएस के स्टूडियो में डीएलएड के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमित गौतम आज की इस परिचर्चा में आपके साथ विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण और उसके उपचार पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण है क्या। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक मापन तभी महत्वपूर्ण समझा जाता है जब उपलब्धि परीक्षा के बाद कमजोर छात्रों को निदानात्मक परीक्षा भी दी जाए, जिससे उनकी अधिगम कठिनाइयों के कारणों की जानकारी हो सके। हम कह सकते हैं कि नैदानिक परीक्षा वह परीक्षा होती है जो इस बात का निदान करती है कि बालक किन परिस्थितियों में गलती करते हैं, उनकी त्रुटि या गलती किस प्रकार की है और गलती करने के कारण क्या हैं। इस प्रकार जब नैदानिक परीक्षाएं भी एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षाएं ही होती हैं, जबकि उनका उद्देश्य बालकों की गलतियों का पता लगाना होता है। नैदानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों की विज्ञान संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना है। मूलतः निदान शब्द का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में रोगी का इलाज करने से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो निदान शब्द है मूलतः चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है। हम इसके लिए एक उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष या बीमारी होता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के साथ अपनी बीमारी की परिचर्चा करता है और परिचर्चा के ही दौरान डॉक्टर उन लक्षणों के आधार पर अपना उपचार लिखने की कोशिश करता है और उपचार को और पुख्ता बनाने के लिए किसी भी मरीज को डायग्नोस्टिक लैब में भेजता है, जिससे कि जिस उपचार को वो कर रहा है वो उपचार पुख्ता तौर पर पूर्ण हो सके। ठीक उसी प्रकार कक्षा में शिक्षक भी असफल छात्रों की कमजोरियाँ, त्रुटियों एवं असफलता के कारणों का पता लगाकर उनके पीछे के मुख्य कारणों को खोजने का कार्य करता है, उनका परीक्षण कर उनके समाधान का प्रयास कर समस्या का समाधान करता है। अब यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि जब कोई छात्र बार बार प्रयत्न के बाद भी असफल होता है तो वह बहुत मायूस हो जाता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसी स्थिति में वह निरंतर पढ़ाई में पिछड़ जाता है और उसकी असफलता एवं पिछड़ने के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करना आवश्यक होता है। शिक्षक निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है तथा उसको उचित ढंग से उपचार करता है। इन परीक्षाओं के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान के अध्ययन में छात्रों की क्या कठिनाइयाँ, विज्ञान में छात्र कहाँ गलतियाँ करते हैं, विज्ञान में छात्र किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं और छात्र गलती क्यों करते हैं। इसी आधार पर इन सभी समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। अब हम यहाँ निदानात्मक परीक्षण की कुछ परिभाषाओं के द्वारा निदान शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। निदान का अर्थ है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। निदानात्मक परीक्षाओं का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्व सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है ताकि छात्र की योग्यता और कमजोरियों का ज्ञान किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सके। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निदान का अर्थ है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कमियों और कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना। अब हम नैदानिक परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विज्ञान विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना विज्ञान विषय का एक उद्देश्य है कि विज्ञान विषय की जो अधिगम अध्यापक प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से सुधार हो सके। विज्ञान एक विशेष प्रकार का विषय है जहाँ छात्र को पूरे ध्यान के साथ इस प्रक्रिया में अपना प्रतिभाग करना होता है। अगर बालक को कहीं भी किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो विज्ञान विषय को पूर्ण रूप से ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकता। अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना एवं उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था करना। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत हमारे लिए ये भी आवश्यक है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि जो बालक के अधिगम अनुभव हैं तथा अधिगम प्रक्रिया है उसके जो अवरोधक तत्व हैं। अवरोधक तत्व वो होते हैं जो बालक को किसी भी क्रिया में प्रतिभाग करने से रोकते हैं, उन तत्वों का पता लगाना। अगर उन तत्वों का हमने समय पर पता नहीं लगाया तो इसके द्वारा बालक
पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के शिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो विज्ञान की क्लास में बैठा रहे, हो सकता है वो विज्ञान की क्लास में शिक्षक के साथ अपनी कोई बात को साझा ना करे, कहीं ना कहीं पर वो बालक को अगली लर्निंग, अगले अधिगम की तरफ जाने से रोकेगा। तो नैदानिक परीक्षण ये करता है कि बालक को सही समय पर अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के जो भी अवरोधक तत्व हैं उनको ढूंढ लेते हैं और समय पर हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। विज्ञान में पिछड़े बालकों की हम पहचान करते हैं और उनको भी निदान करने की कोशिश करते हैं। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों के आधार पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं। ये इसलिए और आवश्यक है क्योंकि बालक को भविष्य में किस प्रकार का शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन विज्ञान शिक्षक प्रदान कर सकता है, इस निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम ये कार्य भी करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों के उनकी योग्यताओं, कुशलताओं एवं अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। हम विद्यार्थियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी छुपी योग्यताएं क्या हैं, बालकों की कुशलताएं कैसी हैं और उन कुशलताओं में वो किस प्रकार से सुधार कर सकता है, ताकि इन सभी कमियों और को जानने के पश्चात बालक शैक्षिक तौर पर प्रयास कर सके। अब हम बात करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है। शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही नहीं बल्कि सामान्य बालकों को भी होती है। निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता बालकों की विषयगत व विशेष इकाई में कठिनाई स्तर को जानने में होती है। इस परीक्षा के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बालक को, किसी भी बालक को विज्ञान विषय में क्या परेशानी है, किस प्रकार की दुविधा आ रही है या विज्ञान विषय की किसी विशेष इकाई में उसे कठिनाई आ रही है। मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बालक विज्ञान के विषय में अच्छा हो सकता है लेकिन विज्ञान की विशेष इकाई में बालक को कठिनाई स्तर ज़्यादा होता है। तो शिक्षक के नाते या विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि उस विशेष इकाई में हो रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। जो भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है उन कठिनाइयों में प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षिक निदान की आवश्यकता होती है। शैक्षिक निदान ये भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पा रहे। शैक्षिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए होती है। ये स्थिति जितना ही आवश्यक है कि कोई भी पठन पाठन की स्थिति जितना ही कक्षा में प्रभावशाली होगी, विज्ञान के छात्र कक्षा के अधिगम में उतना ही प्रभावशाली अपना प्रतिभाग दे सकते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय एक या अधिक विद्यार्थी दशमलव के भाग को गलत करते हैं तो विज्ञान अध्यापक के लिए ये जानने का प्रयास करता है कि क्या वे दशमलव रखने में त्रुटि करते हैं। यदि उन्हें दशमलव के ज्ञान का अभाव है तो विज्ञान अध्यापक अपने शिक्षण में इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकता है कि दशमलव कहाँ और कब लगाना चाहिए। साथ ही साथ अध्यापक उसे इसे कुछ उदाहरणों को देकर भी स्पष्ट कर सकता है। छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी ये सहायक होता है कि मान लीजिए हमने परेशानियां तो देख ली कि बालक को विज्ञान शिक्षण में कहाँ परेशानियाँ आ रही हैं, किस अधिगम के पहलू पर वो कमज़ोर है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी। इसी के साथ हम शैक्षिक निदान मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। शैक्षिक निदान के साथ ही साथ जो भी हम बालक के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को दे रहे हैं उसको हम कितना प्रभावी बनाएं, कितना प्रभावशाली बनाएं, ये भी हम इसी परीक्षण के अंतर्गत करते हैं। निदानात्मक परीक्षाओं में निश्चित समय नहीं दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार ये एक या एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान कभी नहीं किए जाते। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से पक्ष त्रुटिपूर्ण हैं अथवा बालकों ने हल नहीं किए। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान अध्यापक बालकों को बिंदुओं को अंकित करना बता रहा है परंतु बालक बार बार प्रयास करने पर भी उसे ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण द्वारा ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी बालक बिंदुओं को ग्राफ पर इसलिए अंकित नहीं कर पा रहा है
कि उसे अनुपात के अनुसार ग्राफ पर बिंदुओं का अंकन करना आता ही नहीं है। इसीलिए विज्ञान अध्यापक पहले उसे अनुपात के आधार पर बिंदुओं का अंकन करना बताता है और देखता है कि छात्र अपेक्षित उद्देश्य को कितना शीघ्रता से प्राप्त कर रहा है। हम इन सब की बातों के आधार पर ये निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। यह प्रक्रिया अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों को ही परिश्रम और समय को व्यर्थ होने से बचाती है तथा विज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि नैदानिक परीक्षण के उपयोग क्या हैं। अधिगम की प्रक्रिया के अवरोधक कारणों को ढूंढना ही नैदानिक परीक्षण के उपयोग। अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालकों को कहाँ कहाँ अवरोधक आ रहे, मान लीजिए विज्ञान जैसे विषय में अगर बालक को कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध आ रहा है तो बालक उस प्रक्रिया को वहीं रोक देगा या कहें उस प्रक्रिया के दौरान अपना संपूर्ण प्रयास नहीं कर पाएगा। तो जो भी अवरोधक आ रहे हैं उन अवरोधक के पीछे छुपे हुए कारणों को ढूंढना भी इस परीक्षण का एक कार्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को उचित सुझाव या निर्देशन देना। विज्ञान शिक्षक का ये भी कार्य है कि जो भी विज्ञान का विद्यार्थी है उसके शैक्षिक उपलब्धियों का उसके अभिभावकों को सही समय पर सुझाव देना या निर्देशन देना भी विज्ञान अध्यापक का एक कार्य है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ला सकता है। कोई भी विज्ञान शिक्षक इस तरह की परीक्षाओं का विज्ञान जैसे विषय में उपयोग करके उस शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ विज्ञान विषय में जो भी कमज़ोर विद्यार्थी की साथ ही साथ वो पहचान करता है और पहचान करने के साथ साथ वो उन कमज़ोर विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों की विषयगत कठिनाइयों के कारण का पता भी इसी परीक्षण के द्वारा लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते तथा उनको दिशा निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों की कमियों को जानने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाते हैं। कभी कभार हमें यह प्रयास करना होता है कि अगर बालक का प्रयास किसी भी स्तर पर कमजोर है तो क्या हमारी मूल्यांकन पद्धतियों में कोई दोष है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं और उन दोष को दूर करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान भाषा के संदर्भ में विद्यार्थियों की न्यूनताओं एवं विशिष्टताओं का मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि बालक की न्यूनतम उपलब्धि क्या है और विशिष्ट उपलब्धि क्या है और उन दोनों उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। इन परीक्षण के द्वारा हम विज्ञान अध्ययन में सुधार लाते हैं तथा यह देखते हैं कि छात्र तथा शिक्षक के लिए लाभप्रद क्या है। यदि छात्र विज्ञान के किन्हीं प्रत्ययों को स्पष्ट नहीं समझते तो शिक्षक को अपनी विधि या प्रविधि में परिवर्तन लाना होगा। आखिरकार जो विज्ञान शिक्षक है वो छात्रों के लिए ही वो विधि और प्रविधि का प्रयोग कर रहा है। अगर वो विधि या प्रविधि प्रभावशाली तौर पर कक्षा में उपयोग में नहीं आ पा रही है तो उनका कोई भी फायदा नहीं है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत जो पिछड़े बालक हैं उनको सुधार करें, उनमें पहचान करें, उनके सुधार हेतु निदान संभव कर सके। विद्यार्थियों के विषय में संबंधित विकास में रुकावट आने वाले तत्वों को भी हम जानने का कोशिश करते हैं और उपचारात्मक सुझाव भी देते हैं। अब हम शैक्षिक निदान के स्तर की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यानी समस्याग्रस्त बालकों की पहचान करते हैं और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करते हैं। विज्ञान कक्षा में प्रत्येक छात्र समस्याग्रस्त नहीं हो सकता, तो जो भी छात्र समस्याग्रस्त हैं उनकी पहचान करना प्रथम स्तर के अंतर्गत आता है। इसके उपरांत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि त्रुटियां कहाँ हैं, अर्थात बालक जहाँ भी गलतियां कर रहा है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्र को पहचानने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। कठिनाइयों की प्रकृति जानने के बाद यह भी जाना जाता है कि त्रुटियों के कारण क्या हैं, यह प्रक्रिया जटिल है। ज़्यादातर इसमें शिक्षक का तर्क कार्य ही काम करता है। कारण पता हो जाने के बाद इस विषय पर भी विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस स्तर में किसी भी शिक्षक का पूर्ण रूप से जुड़ा होना आवश्यक इसलिए है कि छात्र किसी भी बालक की
परिस्थितियों को भली भांति जानता है। वो जानता है कि बालक किस किस पहलुओं पर कमज़ोर हो सकता है, इसीलिए उपचार क्या किया जाए वो शिक्षक देखने का प्रयास करता है और उस परिस्थिति के हिसाब से नियमों को बनाने का प्रयास करता है। उपचार देने के बाद ही यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर ये भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो पाए। अब हम बात करते हैं कि जब विज्ञान में हमें कोई भी निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना होता है तो हमें किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद हम शैक्षिक निदान के स्तर की बात करते हैं और उन स्तर के द्वारा हम ये देखते हैं कि नैदानिक परीक्षणों को किस प्रकार से किया जाए। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी विज्ञान कक्षा में समस्याग्रस्त बालक की पहचान की जाती है। इसके बाद ही हम विभिन्न परीक्षणों का उपयोग करते हैं। इसके उपरांत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि त्रुटियाँ कहाँ हैं, अर्थात बालक कहाँ गलती कर रहा है और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद ये भी जाना जाता है कि त्रुटियों के कारण क्या हैं। यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और ज़्यादातर इसमें विज्ञान शिक्षक का तर्क कार्य करता है। कारण पता हो जाने के बाद इस पहलू पर भी विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस पहलू को या इस स्तर को लागू करने के लिए विज्ञान शिक्षक का पूर्ण रूप से उसमें जुड़ाव होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी विज्ञान शिक्षक यह जानता है कि विज्ञान कक्षाओं में छात्रों को क्या परेशानी आ रही है और इन परेशानियों में को वो दूर किस प्रकार कर सके। तो इसीलिए शिक्षक जो है विशेष परिस्थिति में विशेष समस्या के साथ ही अपने नियम बनाने की कोशिश करता है। उपचार देने के बाद यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि इन परिणामों को ध्यान में रखकर ये विचार भी किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि समस्याएं भविष्य में दोबारा उत्पन्न ना हो। अब हम निदानात्मक परीक्षण का निर्माण की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से पद हैं जिसके द्वारा हम निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कर सकें। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। इसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके कारण हम निदानात्मक परीक्षण को बना रहे हैं। उन परेशानियों को, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें इन परीक्षणों के उद्देश्य बनाने पड़ते हैं, उनका निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो विषय वस्तु है उसको उप इकाइयों में विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर ये पद भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु विज्ञान की है उसको उप इकाइयों में विश्लेषण करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ उप इकाइयों के संदर्भ में जो भी कठिनाई बालक को आ रही है उनको पता लगाते हैं और उन कठिनाइयों के हिसाब से, उन कठिनाइयों के अनुसार जो भी प्रश्न हैं हमारे उनका विश्लेषण एवं परिमार्जन करते हैं, और परिमार्जन करने के पश्चात किसी भी नैदानिक परीक्षण को अंतिम रूप हम देते हैं और अंतिम रूप में वो नैदानिक परीक्षण को तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी अच्छे नैदानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। नैदानिक परीक्षण किसी पाठ्यक्रम विशेष तक ही सीमित होते हैं तथा सबसे संबंधित होते हैं। विद्यार्थी की विषय संबंधी तथा योग्यताओं का माप नहीं करता, वरन किसी विशेष विषय में उस विषय के किसी भी छात्र की क्या कमजोरियां हैं वो इसका पता लगाने का प्रयास करता है। नैदानिक परीक्षण इस बात को महत्व कभी नहीं देता है कि विद्यार्थी के परीक्षा में कितने प्राप्त अंक आए, यहाँ तो बस इस बात पर महत्व दिया जाता है कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में या किस प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेता है या हल नहीं कर पाता है। नैदानिक परीक्षण स्वभाव में विश्लेषणात्मक होते हैं, परिणाम स्वरूप विद्यार्थी की उपलब्धियों तथा कमजोरियों का विस्तृत तथा स्पष्ट विश्लेषण कर देता है। इन परीक्षणों की व्याख्या किसी सुस्थापित मानकों के आधार पर की जाती है। ये परीक्षण पूर्ण रूपेण उद्देश्य आधारित होते हैं। स्वभाव में ये शक्ति परीक्षण वर्ग में आते हैं जिनमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता चला जाता है और इनमें समय सीमा भी लगभग अनिश्चित होती है। अब हम निदान की विधियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य तौर से किसी भी निदानात्मक परीक्षा में तीन तरह की विधियां प्रयोग में की ली जाती हैं, शैक्षिक परीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि और उपचारात्मक परीक्षण विधि। शैक्षिक परीक्षण विधि के अंतर्गत कोई भी शिक्षक
शैक्षिक कार्य के दौरान बालक का समय समय पर शैक्षिक परीक्षण करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा बालकों का निदान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। यह बताता है कि किस तरह से व्यक्ति के अधिगम में अंतराल रह गया जिसको पूरा करना आवश्यक है। इसके पश्चात हम निदान की विधियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम मुख्य रूप से तीन विधियों का प्रयोग करते हैं, शैक्षिक परीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि और उपचारात्मक परीक्षण विधि। शैक्षिक परीक्षण विधि के द्वारा कक्षागत मूल्यांकन ही शैक्षिक परीक्षण विधि के द्वारा कोई भी शिक्षक कक्षागत मूल्यांकन के साथ ही बालक का निदान करने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। निदानात्मक परीक्षण में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी दूसरा पहलू है और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में हम किसी भी व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारगत विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत मापक होता है। ये बताता है कि किस तरह व्यक्ति के अधिगम में अंतराल लगे जिसको पूरा किया जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले विधि साक्षात्कार विधि को हम अपनाते हैं, जिसमें छात्रों से बातचीत करके सूचनाएँ एकत्रित करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंतराल कहाँ रह गए और उनको दूर कैसे किया जाए। दूसरी विधि है व्यक्तिगत अध्ययन। इस विधि में छात्र के मनोवैज्ञानिक गुण तथा उसके पर्यावरण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि के गहनता से अध्ययन करते हैं। तीसरा है, इसके पश्चात हम प्रेक्षण को लेते हैं, जिसमें छात्र की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली घटनाओं को वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख तैयार करते हैं। अगली विधि हमारी जो है वह है आत्म प्रतिवेदन, जिसमें छात्र स्वयं अपने बारे में तथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात संचित अभिलेख पत्र है, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहारगत परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। तत्पश्चात घटना व्रत है, जिसमें स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में सहायता प्रदान करता है। तत्पश्चात निर्धारण मापनी का भी हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर छात्रों की योग्यताओं उपलब्धियों को इस तरह से जांचते हैं कि वह किस प्रकार की है। इसमें ज़्यादातर हम ग्रेड देने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नैदानिक परीक्षण का प्रशासन कैसे किया जाए। किसी भी विज्ञान शिक्षक का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाए और बताए कि यह कार्य अधिगम प्रक्रिया के बढ़ाने के लिए, ना कि सफलता और असफलता पर। इस तरह के प्रयोग को शांत वातावरण में प्रसारित किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया में बिल्कुल तनाव मुक्त होकर बैठने के लिए बोलना चाहिए। यहाँ पर बालकों को आपस में बातचीत करने नहीं देना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थियों को कुछ संदेह है तो वह विद्यार्थी विज्ञान शिक्षक से मदद ले सकता है। इसके लिए कुछ नैदानिक परीक्षणों का हम यहाँ जिक्र करते हैं, जिसमें MS रावत का रसायन विज्ञान परीक्षण आता है। इसके पश्चात हम उपलब्धि और नैदानिक परीक्षणों में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर छात्रों में ये भ्रम हो जाता है कि ये दोनों परिस्थितियाँ या दोनों परीक्षण एक जैसे हैं। यहाँ पर कुछ बिंदुओं के द्वारा हम उन अंतरों को जानने का प्रयास करते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं वो उनका मानक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होता है, लेकिन नैदानिक परीक्षण के मानक स्थापित करना असंभव है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत समय सीमा निश्चित होती है, जबकि नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं होती। उपलब्धि परीक्षण में निर्धारित अवधि में औपचारिक परीक्षण किया जाता है और नैदानिक परीक्षण में अनौपचारिक परीक्षण किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो सकता है। जो हमारे उपलब्धि परीक्षण है उनका विषय हमेशा व्यापक होता है, नैदानिक परीक्षण का विषय हमेशा कौशलों की प्राप्ति तक सीमित रहता है। इन परीक्षणों के मापन के बाद परिणाम घोषित किया जाता है और नैदानिक परीक्षाओं में इन परीक्षणों के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण देना अनिवार्य होता है। जो उपलब्धि परीक्षण है यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, जबकि नैदानिक परीक्षण किसी भी विषय और उनकी इकाइयों या पाठों पर आधारित होता है। जो हमारा उपलब्धि परीक्षण है उसमें समय शक्ति अधिक मात्रा में लगती है, जबकि नैदानिक परीक्षण में समय शक्ति कम मात्रा में लगती है। उपलब्धि परीक्षण के दौरान
इन परीक्षणों के बाद अंकन और मापन किया जाता है, जबकि नैदानिक परीक्षण में ये जांचने का प्रयास करते हैं कि बालक को कठिनाई कहाँ है, उनके कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं और उनको दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो छात्रों, आज हमने विज्ञान विषय में निदानात्मक परीक्षण के बारे में जाना, उनको ये जाना कि नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उनका महत्व क्या है, विज्ञान की कक्षाओं में निदानात्मक परीक्षाओं का किस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि छात्रों की जो कठिनाई स्तर है उसको कम से कम हम प्रयोग कर सकते हैं। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।